बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, हनुमंत लाल की जय। बहुत सुखद और सुंदर अवसर है। हमारे भाई साहब त्यागी जी ने जो ये सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया है, ये बहुत सौभाग्य की बात है और सौभाग्य हमारा भी है, क्योंकि हमें राम नाम का अवसर मिलता है और सौभाग्य उन सभी भक्तों का भी है जो यहाँ पर आके राम नाम के इस गुणगान में शामिल होंगे। यह सुंदर कांड पाठ, इसकी महिमा विभिन्न विभिन्न संतों ने विभिन्न विभिन्न शैलियों में की है, इसका कोई अंत नहीं है। सुंदर कांड की सुंदरता का बखान किया नहीं जा सकता। रामचरितमानस का पंचम सोपान ये सुंदर कांड पाठ, इसका नाम ही सुंदर है, इसमें किए गए सारे कर्म सुंदर हैं। श्री हनुमान जी की लीला, उनका चरित्र, उनका संदेश सब सुंदर है। बाकी जितने भी कांड हैं सब में अलग अलग प्रकार के बाबा तुलसीदास जी ने विभाजन किया है। इसका नाम सुंदर कांड इसलिए है क्योंकि इसमें अनन्य भक्त की गाथा है। इसमें बुद्धि और शक्ति का समन्वय है। रामचरितमानस का संपूर्ण अगर अखंड पाठ ना हो पाए किसी कारणवश, तो सुंदर कांड का पाठ कर लेने से वो अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम सब चलें श्री हनुमान जी के साथ लंका की यात्रा पर, क्योंकि जब रावण ने माता सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में उनको रखा और इधर जानकारी हुई कि रावण माता सीता का अपहरण करके ले गया है, तो वो किस हाल में उसने कहाँ रखा है यह भेद लगाने के लिए ये सागर लांघना आवश्यक था लंका में पहुंचने के लिए। और जामन सुग्रीव आदि में जो मंत्रण चल रही थी तो सब अपने अपने बलों का बखान कर रहे थे, कौन जाए लंका में जो माता सीता का पता लगाए। देखिए ऐसा है, सुंदर कांड पाठ निरंतर होता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। जिन जिन को जो आराम से बैठ सकते हैं सिद्धासन में असुखासन में, उनकी तो बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सियों का भी इंतजाम है। बीच बीच में जहां जहां प्रसंग में कोई भाव आएगा, बाबा की कृपा होगी तो भजन होंगे, उस बीच आप अपना कोई खड़े भी हो सकते हैं एक दो मिनट के लिए, ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है। श्री परमात्मा ने नमः। प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान गन, जास हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। बलि बांधत प्रभु बाढ़ ओ सो तन बरन न जाय, होवे घरी में दीनी सात प्रदर्शन। जामन जी कहते हैं कि जब भगवान श्री हरि ने अवतार लेकर राजा बलि से तीन पग में उनका समस्त लोकालोक राजपाट ले लिया था, भगवान के उस विराट रूप की मैंने आधा घड़ी में सात बार प्रदक्षिणा की थी। यदि जामन जी इतने सामर्थ्यवान हैं तो फिर ये सागर लांघने की बात जामन जी ने क्यों नहीं की कि मैं जाता हूं माता सीता का पता लगा के आता हूं। उसका एक विशेष उद्देश्य था जो अभी जामन जी बताएंगे। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संसार कछु फिरती बारा।
अंगद ने कहा मैं लंका में जाकर माता सीता का पता तो लगा सकता हूं, लेकिन वहां से लौट के वापस आ जाऊं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखिए पंडित जी, यहां से शाहदरा अगर जाना हो और जिसको रास्तों का पता ना हो उसके लिए जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आना तो आसान होना चाहिए। अंगद उल्टी ही बात कह रहे हैं। जिए संशय कछु फिरती बारा, वापस लौट के आ जाऊं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि लंका का आकर्षण ही ऐसा है, लंका माया नगरी है, सोना ही सोना आकर्षण है। कहीं ऐसा ना हो मैं अपना उद्देश्य भूलकर वहीं रह जाऊं। जामन जी को, अंगद को संशय है। जामवंत कह तुम सब लायक, पठयई के में सब ही कर नायक। कहई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, उदिति पे की ज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताद तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। जामन जी ने हनुमान जी को कहा कि आप चुप क्यों बैठे हो? अंगद ने अपनी बात कही, किसी ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 20 योजन। आप चुप क्यों बैठे हो? आप किसी से कम थोड़ा ही हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम अपने पिता पवन के समान बलवान हो। लेकिन हनुमान जी शांत बैठे, हनुमान जी को अपने बल का भान ही नहीं है। लेकिन जब जामन जी ने कहा राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा। राम 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 बोलो। राम 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 राम। राम जी ने कहा राम काज लग तब अवतारा, राम का नाम हनुमान जी के कानों में पड़ा और सुनतई भयो प्रवता अकारा, सुनतई भयो प्रवता अकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरि कर राजा। सिंह नाद करवार ही बारा, लीलहि नागौ जलनि दिखारा। सहित समा सहित सहित सहाय रावण ही मारी, आन हुई हानि कूट उपारी। जामवंत मैं पूछू तो ही, उचित सिखावन दी जहु मोही। एतन कहता तुम जाए, सीतई देख कहो सुति आए। तब निज भुजबल राज बनैना, ओ दुख लागि संग कपि सेना। अब हनुमान जी ने कहा के आप मुझे बताइए उस लंका को सारे को उस पर्वत के साथ ही उठा के ले आऊं और रावण पुरुष के सहायकों को सबको मार के ले आऊं, सीता माता को अभी लेके आ जाऊं। जामन जी ने कहा नहीं जी, बोले बस इतना ही करो कि तुम सीता माता का पता लगा के आ जाओ। कपिसेन संग सघार निश्चर राम सीतहि आनि है। त्रैलोक पावन सुजय ससुर मुनि नारदादि बखानि है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि। रघुवीर पद पातो ज मधुकर दास तुलसी गावहि। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जिनर अरनार। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे शिशिरार। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि सोवादि, सुनियता सुगुन ग्राम जा सुनाम अखल पदिक।
शांतम शाश्वतम प्रेमन गम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभम रामाखम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यस्प्रह रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रियच्च रघुपुंगव निर्भराम मे कामादि दोष रहितं कुरु मां समचे अतुलित बल धामम है शैलाभ दे धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निनानम वन राणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम रामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय सुहाए तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाए जब लगे आओ सीतहि देखी होए काज मोहि हर शिव से यह कहि नाइ सबन कहु माथा जय हर सिंह धर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर चढ़ बार बार रघुवीर संभारे यही गिर चरण दे हनुमंता चलो मिया मोग रघुपति करवाना चलो हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हनुमान से ही परसा कर मुनि की प्रणाम राम काज की नय बिनो मोहि कहां विश्राम मंगल भवन अमंगल हारी दास दशरथ गिरि बिहारी दीन दयाल बिरुद चंपारी करुणाथ मम संकट भारी जात पवन सुत देवन देखा जाने पाओ बल भोगि विशेषा सुर सनाम अहिन के माता आज सुरन मोहि दीन आहारा सुन के वचन के पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आवो सीता कई सुज प्रवर सुनाओ अब तब बदन पैठी हूँ भाई सत्य कहो मोहि जान जमाई तब ने उजतन दे नहीं जाना बस सिर मोहि कहो हनुमाना जो जनवर दे वदन पसारा अभिदनु के दुगन विस्तारा सोर जो जन मुख दे भयो तुरंत पवन सुत पति से भयो जस जस सुर सा बदन बढ़ावा आसो कति रूप दिखावा सत जो जन ते आनन कीना पवन सुत लीना बदन पैठ पुनि बाहर आवा सिर नावा मोहि तुरन जहि लागि पठावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा काम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निदान आशीष दे सो हर्ष चलो हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सदश
दशरथ हर बिहार रे दयाल बिरद संहारी हर रात हम संकट मारी। अब जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई आगे आ गई सुरसा। देखिए इस सुंदर कांड में हमें जीवन जीने की संपूर्ण शैली मिलती। कदम कदम पर हनुमान जी मानो हमें समझा रहे हैं पृथ्वी पर जितने भी अवतार हुए हैं वो अपने मुंह से कम अपने कर्मों से अपनी लीलाओं से इस संसार को अधिक संदेश देते हैं। वैसा ही ये सुंदर कांड पाठ है। अब सुरसा आती है और सुरसा ने कहा कि देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा है और मुझे मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मुझे माता सीता का पता लगाना है, वो आप संदेश मैं लेके भगवान श्री राम को सुना दूं, उसके बाद मैं स्वयं आ जाऊंगा, आप मुझे जो चाहे कर लेना। सुरसा ने कहा नहीं, जाने नहीं देना। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया। हनुमान जी का बदन बढ़ता जा रहा है, सुरसा का मुंह बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बराबर चलता जा रहा है। सत जो जन तेई आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब सुरसा का मुंह सोयोजन का हो गया तो हनुमान जी ने, ध्यान देने की बात है, हनुमान जी ने अपना आकार बहुत सूक्ष्म किया और उसके मुंह में घुसकर हनुमान जी बाहर आ गए। बोले माता आपकी प्रतिज्ञा आपका प्रण आपका संकल्प पूरा हुआ, अब तो मुझे जाने दो, आशीर्वाद देके। सुरसा ने भी आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी है तुम बल बुद्धि निधान। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी चाहते तो अपने आप को, क्योंकि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, आठों सिद्धियां नमो निद्या हनुमान जी के पास है, अणिमा लघिमा सब हनुमान जी के पास है, वो आसमान जैसा शरीर बना सकते थे, लेकिन ये कंपटीशन कब तक चलता रहता। छोटे बन के बड़ा काम करना है। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सुरसा के मुंह में प्रवेश किया, बाहर आ गए, क्योंकि राम का काम करने के लिए आगे जाना था, समय बर्बाद नहीं करना था। कहने का तात्पर्य है अगर आपके अंदर योग्यता भी है, शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, पैसा भी है, अप्रोच भी है, लेकिन कोई आपके रास्ते में ऐसी अड़चन आ गई है, कोई ऐसा आ गया है आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो हाथ जोड़ के साइड से निकल जाओ। हनुमान जी कह रहे हैं निश्चर एक सिंधु महु रही करि माया नभ की गग गही, जीव जन तुझे गगन उड़ाही जल बिलोक दिन गई गरि चाही, कहीं छा सक सो न उड़ाई एही विधि सदा गगन चल खाई, सोई छल हनुमान कह कीना काहि कपट कपि तुर तहि दीना, काहि मारि मारुत सुत बेरा पारि दि पारि गयो मति आ जाई देखी बन शोभा, नाना करु बल भूल सुहाए, तैल बिसैल देखी एक आगे पर भाई त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाए गिर पर चढ़ी लंका तही देखी, अति उतंग जल निधि पासा कनक कोट विचित्र मन करत सुंदराय तनागना, चौहट हट सुवट नीति चार पूर्वों के देवना, गजबाज खच्चर निकर पद झर रथ मरुधर ही को गने, बहुरूप जिस जयूत अति बल से नवरथ नहीं बने, मन बाग रूप मन बाटिका सर रूप बापी तो है, हर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कहूँ माल देह विशाल सैल समान अति बल कर गजहि, नाना कारण बिरहि बहुविधि
करी जतन भद कोट न विकट तन नगर चौद सिर चही कही लाग तुलसी रास इनकी कथा कछु एक है कहे रघुवीर सर कीरति शरीर जाग गति रखवारे देख बहो कभी मन के न विचार अखिल रूप धरो किसी नगर करो पैसा मंगल भवन मशक समान रूप कपि धरे नाम रखने एक निश्चर जान ही नहीं मरम सठ मोरा उठिका एक महा कपि हनी श्री राम जय राम अभी हनुमान जी आगे बढ़े हनुमान जी ने लंका की सुरक्षा को देखा चारों तरफ से चार चौबंद लंका की ऐसी सुरक्षा कि हनुमान जी ने मशक समान रूप कपि धरी छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया उसके बावजूद भी लंकनी जो रावण की पहरेदार थी जो उस सुरक्षा व्यवस्था की जो इंचार्ज थी उसने हनुमान जी को देख लिया आप देखिए कितनी सुरक्षा रही होगी कैसी चाक चौबंद व्यवस्था थी आज हमारे कितने बॉर्डर पे इंफिल्ट्रेशन हो रही है बाहर के घुसपैठी आराम से घुस जाते हैं पता नहीं चलता वहां पे हनुमान जी इतना सा रूप छोटा सा रूप बना के घुस रहे हैं लेकिन लंकनी को नजर आ गया और लंकनी ने कहा मुझे तुम धोखा देकर जा रहे हो मैं तुम्हें अभी खाऊंगी क्योंकि मोर आहार जहां लगी चोरा हनुमान जी ने कहा देखो तुम चोर की सुरक्षा कर रही हो ये चोर है रावण जो है ये माता सीता का अपहरण करके लेके आया है चोरों की सुरक्षा मत करो और हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया मुष्टिका का प्रहार लंकनी के मुंह पर हुआ और लंकनी के मुंह से रुधिर निकला रुधिर के निकलते ही लंकनी को होश आया और उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया एक मुष्टिका के प्रहार का कितना असर है एक राक्षसी भी उसकी आत्मा पवित्र हो गई ये सत्संग है हनुमान जी का हनुमान जी ने लंका के द्वार पर यह सत्संग किया है ये सत्संग रूपी घूसा है जो लंकनी के मुंह पर पड़ा और हनुमान जी के सत्संग से लंकनी पता नहीं कितने जन्मों के पाप नष्ट हो गए तो सुख लव सत्संग सत्संग का एक पल भी जीवन को बदल देता है हनुमान जी के सत्संग से लंकनी का परिवर्तन हो गया आत्मा का परिवर्तन हो गया पुनि संभार उठी सो लंका जोर पानी कर विनय से संका जब रावण है ब्रह्म वर दीना चलती विनंति कहा मोहि कीना निकल हो सीते कपि के मारे अब जान से चल संकारे हाथ मोरे अति भूत बहुता देखो नैन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए कान सकल मिली जो सुख नगर की करण सुधारी तो कर ही मिटाए गोपद से गरुड़ सुमेर रेणु समताही राम कृपा कर अति लघु रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जाता अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माहे अति विचित्र कहि जात सुनाहि शयन किए देखा कपि तेहि मंदिर मोहन किए मैं देहि पवन है
देख भोली देख सुहावा बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन जाए तुलसी का व्रत है देखी हर्ष कपराए मंगल भवन मंगल हरी लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर पासा मन मोह तरक करे कपिलागा राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 ते ही सुमरन कीना हृदय हर्ष कपि से जय जीना हे सन हट कर हौ पहचानी सारूप होय नकार जहानी प्रेम रूप धर सुमरन सुनाए विभीषण उठित है आए कर प्रणाम पूछी कुछ लाए तीर्थ कहो विधि कथा बुझाए के तुम हरि राजन में कोए मोरे हृदय प्रीति रति होए तुम राम देन अनुरागे आय हो करण बढ़वागे तब हनुमंत कही सब राम कथा निज राम सुनत युगल तन पुलक मन मगन कुमिल हुनका मंगल भवन मंगल हारी सुनहु पवन सुत रहन हमारी जिमिन सुनहु दीप बिचारी सात कबहु मैं जानी अनाथा अरे हौ कृपा भान कुल नाथा तामस तन कछु साधन नाही प्रीति पद सरोज मन माही अब मोहि वा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलै नहि संता जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दर्श हट दीना सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति करहि सदा ते बक पर प्रीति कहउ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना प्रात लई जो नाम हमारा दिन ताहि न मिले आहारा बस मैं अदम सखा सोने मोहु पर रघुबीर कीनी के पास मेरे गुणे भरे विलोचननी ओ मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सदशरथ अजीर बिहार हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में जहां तहां खोजा रावण के अलग अलग सारे महलों में देखा माता जानकी उनको कहीं नजर नहीं आई। अब सोचने की बात यह हनुमान जी की माता सीता से पहले कभी मुलाकात तो हुई नहीं थी वो कैसे पहचानते लेकिन लंका में जितने भी स्त्रियां थी सब अपना बनी ठनी थी। हनुमान जी ने सोचा मेरी माँ इस रूप में तो नहीं होगी क्योंकि विरह में है। तो फिर हनुमान जी को विभीषण जी का घर दिखाई दिया उसके द्वार पर श्री रामचंद्र जी के अस्त्रों के निशान छपे हुए थे और तुलसी बहुत सारी तुलसियां लगी हुई थी। हनुमान जी ने सोचा ये कोई सज्जन आदमी है क्योंकि श्री राम जी के आयुधों का यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं और जैसे ही विभीषण जी ने राम राम ते ही सुमरन की ना राम राम सुमरन करते हुए विभीषण जी जैसे ही उठे तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने चले गए। उनकी वार्तालाप हुई दोनों की परिचय हुआ हनुमान जी ने अपना मकसद बताया भगवान श्री राम के गुण बताए अपना नाम बताया। अरे आप कहीं भगवान श्री राम ही तो नहीं हो जो मुझ पर कृपा करके आए हो या उनके कोई दास हो। जिमी दर्शन हनुमान जी वे बेचारे विभीषण जी ने कहा यहां पर राम का नाम लेना गुनाह है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं धीरे धीरे सुमरण करते रहो बेड़ा पार हो जाएगा और जो तुम बार बार कह रहे हो ना सुना हूँ पवन सुत रहे ना हमारी जी में दर्शन मऊ जीव बिचारी भैया ये जीव जो है दांतों के बीच में रहती है और जीव दांतों को साफ करती रहती है जब कोई दिन का आ गया ना उनको जब तक वो साफ ना हो जाए जीव को चैन नहीं पड़ती और दांत जिस दिन मौका लग गया उसी दिन काट देते हैं जीव।
हनुमान जी ने कहा कि पहले जीभ आई है और बाद में जीभ ही जाएगी, दांत बाद में आते हैं पहले जाएंगे। जो कठोर हैं वो अधिक समय तक अध्यात्म के मार्ग पर नहीं रुक पाते, जो मुलायम है कोमल है उन्हीं की जय जयकार होती है। और अभी आएंगे हमारे डॉक्टर साहब, हमारे श्री राम जी आएंगे जम्बूड़ वो लेके पुलर, और तुम्हारे जितने भी ये दांत लंका में सबको उखाड़ के समुद्र में डाल देंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अरे विभीषण जी सुनो, पन्ना जी, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय जय काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे वो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय जय हनुमान जी। विभीषण जी को समझा रहे हैं क्या, सत्संग चल रहा है हनुमान जी और विभीषण जी का। और विभीषण जी सुनो, अगर उससे मिल तमन्ना, अगर उससे मिलने की तमन्ना, अगर उससे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उससे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उससे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उससे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। जानत हूँ अस स्वामी बिसारे, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिल वचन सुदामा, मुनि सब कथा विभीषण कहे, सब हनुमान कहा सुन राधा, देखी रहो जानकी माता, जुगत विभीषण सकल सुनाई, जनो पवन सुत निदा कराई, कई सोय रूप गयो मुनि तहवा, मन सो बिन तार रह जावा, देखे
कोई मनाऊ माऊ की ने प्रणामा रस तन शीश जटाए को बैनी जप तेरे रघुपति गुण सैनी निज पद नयन पद कमल मंगल भवन मंगल हारे कर पल्लव पूरा लुकाए करी विचार करो यही अवसर रावण तह आवा बहु विधि खलसी तही समझावा कह रावण सुन सुमुख सयानी सब अनुचरी करऊ पन मोरा तृण धर ओट कहत बैदही सुन दस मुख का ज्योत प्रकाश अस मन समझ कहत जान की फल सट सुने हरि आ नहीं मोही आप सुख ज्योत समरम मानु समान मंगल भवन मंगल हारी सीता ते मम कृत अपमाना नहीं तो सपद मम तू मम बानी काम सरोज दाम सब सुंदर भुज कंठ तब सिोरा सुन सरस प्रमाण बन मोरा चंद्र हास हर मम पर तापम रघुपति बिरहा शीतल निशित बहस बरदारा कह सीता हर मम दुख भारा सुनत बचन बुनि मारन धावा कैसे सकल निश चरण बुलाई पाँच दिवस मोहन माना भवन गया दस कंदर यहाँ पिता चिर दंद सीता मंगल भवन मंगल हारे ब्रज का नाम राक्षसी सपनों को सुनाएगी सपना सपने बानर लंका जारी नगर फिर रघुबीर दुहाए तब तब सीता होली पठाए यह सपना मैं कहूं पुकारे होए साथ गए दिन प्यारे आसु बचन सुनिते सब डरी जनक सुता के चरण पड़ी जह तह गए सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते होए मंगल भवन मंगल हारे त्रिजटा सन बोली कर जोरी सजो देह करु बेग उपाये आन काठ रच चिता बनाए सत्य कर मम प्रीत सयानी सुनत वचन पद नहीं समझे किसी ने अनल सुन सुकुमारी कह सीता विधि प्रतिकूला देखियत प्रकट जगन हंगार किसने समाना
एक परम निर्वा तुलसीदास कवि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका अंगार दीन हर से उठी कर गए। श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण के बताए अनुसार हनुमान जी अशोक वाटिका में चले गए। हनुमान जी वृक्ष में पत्तों में छुप गए। रावण आता है, माता सीता को धमकाता है। हनुमान जी ने माता सीता की जब ऐसी दशा देखी रावण के जाने के बाद, उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जो अंगूठी, जो निशानी भगवान राम ने हनुमान जी को दी थी, वो माता सीता की गोद में गिरा दी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्री पहचान हर्ष विषाद हृदय अकुलानी जीत को सकई अजय रघुराई माया पे हसी हची नहीं जाए सीता मन विचार कर मधुर वचन बोले हनुमाना। अंगूठी को देखते ही माता सीते ने कहा, ये मेरे परमेश्वर श्री राम की अंगूठी है, ये अंगूठी अकेले क्यों आई, श्री राम क्यों नहीं आए मुझे लेने के लिए। माता सीता के मन में बहुत भय उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया, मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं है। क्या कहती है सीता जी, न जाने कौन रघुवर की निशानी लेके आया है। एक दो तीन चार, न जाने कौन रघुवर की निशानी लेके आया है, न जाने कौन रघुवर की निशानी लेके आया है। और मेरी इन सुनी आंखों में, मेरी इन सुनी आंखों में जो पानी लेके आया है, जाने कौन रघुवर की निशानी लेके आया है। संकट कोई मेरे कंठ पर आया, मेरा दिल डर रहा संकट कोई मेरे कंठ पर आया। कंठ, कंठ कहते ऊपर उनके, कंठ का अर्थ है स्वामी। मेरा दिल डर रहा संकट कोई मेरे कंठ पर आया, अंगूठी के साथ दुख की, अंगूठी के साथ दुख की कहने लेके आया है, न जाने कौन रघुवर की निशानी लेके आया है। जय जय Thank you.
विचार करना ना। मधुर वचन बोले हनुमान, रामचंद्र गुण बर लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। करे गुण गान जो छुप कर अवधपति श्री रघुनंदन का, करे गुण गान जो छुप कर अवधपति श्री रघुनंदन का, करे गुण गान जो छुप कर अवधपति श्री रघुनंदन का। वो मन में भक्ति, वो मन में भक्ति, मुंह में मीठी वाणी लेके आया है, न जाने कौन रघुवर के इशारे लेके आया है। बोलो आदि हुए सब कथा सुनाई, श्रणामत जय कथा गुहाई, कैसो प्रकट होत किन माई पान गाई। फिर बैठी मन विस्मय भयम, राम दूत में बात जान की, सत्य सबद करुणा निधान की। यह मुद्र का महात्म्य जानी, देवी रात को जय जय लावे, नर बानर ही संग कहूं कैसे, मंगल भवन मंगल हरे, कपि के वचन से प्रेम सुन उपजा मन विश्वास, परिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, उड़त विरह जन हनुमान, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, कोमल चित कृपाल रघुराए, सहजबान से मत सुखदाय सब सुरत कर रघुनाय, भजन राम नयन भरे पारी, तहां नाथ होत पट बिसारी, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी शुक्र पाठ केता, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी घर फेर, ओ मंगल भवन मंगल हारे, कहो राम वियोग तब सीता, नव तरु किस लय बनहु प्रसानो, कुबल विपिन कुंत बन सरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, कहूं ते कछु दुख घटि होए, तत्व प्रेम कर अमरु तोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाहे, जानु प्रीत करुणे नहीं पाहे, प्रभु संदेश सुनत रह गए, मगन प्रेम तन तुझ नहीं देहि, कह कसि हृदय भीर भर माता, तुमरौ राम सेवक सुत दाता, उर आनहु रघुपति प्रभु पाए, वचन रघुपतिवान कृपान, जननी हृदय मंगल भवन मंगल हारे, जो रघुवीर होत सुत पाए, राम मान रवि हुए जानकी, राम
भगवान की। अब हूँ मात मैं जाऊँ लवाई, अब उसने राम दोहाई। बचक दिवस त्याग में वीरा, किसी तरह मार मोहि ले जही। मैं सुन सक पल तुम्हें सुमाना, मोरे हृदय परम संदेहा। कनक दूधरा कर सबिया, सीता मन भरोस तब भयो। जय राम जय राम, माता के पास जाकर जब हनुमान जी ने अंगूठी गिरा दी, माता ने कहा जो इतनी सुंदर राम कथा कह रहे हैं वो भैया प्रकट रूप में सामने तो आओ। हनुमान जी चले गए माता जी के सामने, बहुत वार्तालाप हुआ। बोले माता कुछ दिन और धीरज धर लो, भगवान श्री राम और हम सब आएंगे और आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। माता सीता ने कहा वहाँ पर सारे योद्धा तुम्हारे जैसे ही हैं क्या? क्योंकि हनुमान जी छोटे से बन के माता सीता के सामने बैठे थे। वहाँ पे सारे योद्धा तुम्हारे जैसे ही हैं क्या? अगर ऐसा है तो तुम क्या जीत के मुझे यहाँ से बंदी मेरे बंदी गृह से छुड़ा कर ले जाओगे? तो हनुमान जी ने अपना बहुत विशाल शरीर धारण कर, और माता सीता ऊपर को देख रही है, हनुमान जी का शरीर बढ़ता जा रहा है। भैया तुमने ये अपना रौद्र रूप पहले क्यों नहीं दिखाया? हनुमान जी ने कहा माता, माता के सामने कभी बालक को बड़ा नहीं बनना चाहिए, सदा छोटे ही रहना चाहिए जब तक आज्ञा ना हो। सीधा संदेश, बच्चे चाहे जितने योग्य हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, बलवान हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, नाम वाले हो जाएं, यश हो जाए, माता के सामने हमेशा छोटे ही। और वैसे भी छोटे बन के ही बड़ा काम किया जा सकता है। हनुमान जी ने छोटे बन के बड़े बड़े काम किए। छोटे बनकर सुरसा के मुंह से बाहर निकला, सुरसा को भी गया। छोटे बनकर लंका में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश का अर्थ है इस मायावी नगरी में, संसार भी एक मायावी नगरी है, समझ लीजिए लंका ही है। और हम सब जो है ना शांति की खोज में है, हम सब सीता मैया की खोज में, हम सब भक्ति की खोज में ही आए हुए हैं यहाँ पे। छोटे बन के रहेंगे तो दर्शन होंगे भक्ति के, बड़े बड़े काम करेंगे छोटे बन के। बड़े बन के तो छोटे ही काम होते हैं, आजकल बड़े बड़े हैं छोटे काम कर रहे हैं। हनुमान जी ने छोटे बन के बड़ा काम किया। सीधा संदेश, सुन माखा साखा प्रद नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभ प्राप्ते करो नहीं मन संतोष। सुनत कपि बाणी भगत प्राप्ते जय बलकारी, आशीष देन राम प्रिय जाना। ओ दाते बल दीन दाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक जो। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायत पद सीता, बोला भजन जोर कर पीता। अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तव मोहि विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लगी देख मंदर फल रूखा। सुन सुन करहिं विपिन रखवारे, दिन कर भय माता मोहि नाही। जो तुम सुख मानहु मन माहि, देखि बुद्धि बल निपुण कपि कहि जानकी जाह। भगवत चरण हि जय रहे नाथ मधुर फल गाहु, मंगल भवन मंगल हारे बिहारे। चलो नाय सिर बैठो बागा,
फल खायस तर तोरे लगा सिया रामा जय रामा जय जय राम रहे तहां बहु भट रखवारे कछ मारस कछ जाए पुकारे जय रामा जय जय राम नाथ एक आवाज कपि भारे खायस फल अरुब टप उपारे रक्षक मारते मारते महिमा सिया रामा जय रामा सुनि रावण पठिए भट नाना किनै देख कर जय हनुमाना सब रजनी चर कपि संकारे जय भारत कछ हनुमारे जय रामा जय जय राम कुन पठिए उठै अक्ष कुमारा भला संगले सुबने अपारा आवत देख बिकप कही पर जा काहिन बात महाधुनि गर जा जय रामा जय जय राम कछु मारस कुछ मर्द सी कछु मिलियस घर दूर कछपुन जाए पुकार रे मंगल भवन अमंगल हारे दीन दयाल बिरध संभारे सिया रामा जय राम सुत बदल केसरी साना पटियस मेघनाथ बलवाना मारस जन सुत बांध सुताहे चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुन अपजा कपि देखा दारुण भट आवा अति विशाल तर एक उबारा बिरत के लंकेश कुमारा रहे महाभटता के संगा बिनहिं निपात ताहि सनवारा उठिका मार चढ़ा करु जाए उठ बहोर की नौ बही माया ब्रह्म अस्त्र ते सादा कपि मन की विचार मंगल भवन मंगल हारे बर्म बान कपते उमारा दे देखा कभी मूर्छित भयो जा सुनाम जप सुनहु भवानी दासु दूत की बंद दरवावा कौतुक लाग सभा सब आए कौतुक लाग सभा सब आए दसमुख सभा देख कपि जाए कर जोरे सुर दिसत विनीता लोकत सकल समेता देखी प्रताप न कपि मन शंका कपि बिलोकी दशानन दिशा कई दुर्भाग मंगल भवन अमंगल हारी कहलन केस कवन तैसा चर के ही अपराधा कहूँ सच तो ही गए वादा
सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा जाके पल बिरंच हरीसा जावल शीस धरत सहसानन धरई जो वीर दे सुरताता हर को दंड कठिन जही भंजा कर दो संत सिरा हर बाली जाके बल्लभ ले स्टेज के चला चल झार श्री राम जय जय रामा अभी क्या हुआ जब माता सीता से बात करते करते हनुमान जी ने अशोक वाटिका में वृक्षों पर अच्छे अच्छे फल लगे देखे कहा माता मुझे भूख लगी है बोले ऐसे ही माहौल में तुम्हें भूख लगी है यहाँ अपनी जान की पड़ी है बोला माता भूख तो लगी है क्योंकि अभी तक सब खाने वाले ही मिले खिलाने वाला कोई मिला नहीं सुरसा मिली वो भी खाने की बात कर रही थी लंकनी मिली वो भी खाने की बात कर रही थी और हमें तो जन्म जाता आदत है बचपन में जन्म के साथ ही भूख लगाती है हाँ? तो हनुमान जी ने वहां पर अशोक वाटिका में वृक्ष खाए फल खाए वृक्ष तोड़े वहां पर उनका युद्ध हुआ रावण की सेना के साथ रावण ने फिर अक्षय कुमार को भेजा अक्षय कुमार को उनका वध किया उसके बाद रावण ने इंद्रजीत को भेजा जब वो भी हनुमान जी को जीत नहीं सका तो उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया ब्रह्मास्त्र का जब उपयोग किया तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और स्वयं ही बंध गए ब्रह्मास्त्र में बंध गए स्वयं ही चाहते तो हनुमान जी के पास तो ब्रह्मास्त्र का भी काट होना चाहिए था लेकिन ब्रह्मा जी देवताओं में सबसे बुजुर्ग हैं और बड़ों का सम्मान करना हनुमान जी को आता है हनुमान जी का सीधा संदेश है यदि बड़ों की आज्ञा हो और उस वो आज्ञा आपको अच्छी ना भी लगे आपके मन को ना भी भाए तो भी गर्दन झुका के स्वीकार कर लो बेशक चाहे बंधना ही बंधना पड़े छोटा मोटा दंड भी अगर बड़े देते हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए ब्रह्मास्त्र में बांधकर हनुमान जी को लाया जाता है रावण के सामने रावण के और हनुमान जी की बड़ी सुंदर सत्संग होता है यहां भी हनुमान जी सत्संग कर रहे हैं अरे रावण तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है तुम बुद्धिमान हो तुम ज्ञानी हो तुम भक्त भी बहुत ऊंचे स्तर के हो तुम्हारा यश है तुम्हारा गौरव है तुम्हारा कौशल है तुम्हारे पास ये देवता तुम्हारी कैद में है तुम्हें ये काम शोभा नहीं देता और जिसके बल पर ये तुम्हारा यश ये बल ये राज ये सारा कुछ है उन्हीं का दूत में श्री राम हूं तुम श्री राम जी का दूत हो और तुम उन्हीं से दुश्मनी मोल रहे हो हरि का नाम राम का नाम लो और लंका अचल राज तुम करे हो हरि नाम नहीं तो जीना क्या हनुमान जी ने रावण को बता रहे हैं तुम्हारे पास सब कुछ है प्रभु का नाम नहीं है श्रद्धा नहीं है श्री राम में यही एक कमी है और उसी कमी ने तुम्हें ये कृत्य करने पर विवश किया है हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में ओ अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम अरे रावण अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या जय जय काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सर चढ़ बोले काल सदा कब सर चढ़ बोले ना जाने कब सर चढ़ बोले हाँ काल सदा अरे रावण मेरे श्री राम काल के काल महाकाल है पता नहीं कब ये काल आ जाए काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सर चढ़ बोले ना जाने कब सर चढ़ बोले ना जाने कब सर चढ़ बोले हाँ हरि का नाम जपो निस्वासर हरि का नाम जपो निस्वासर ओ हरि का नाम जपो निस्वासर इसमें साल महीना का हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अरे भाई अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष्णु पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जय जय मेरे सर पे जो सोने का मुकुट है उंगलियों में जो हीरे की अंगूठियां हैं गले में जो बहुत भारी हार है ये सब जो गहने हैं सब बेकार हैं भूषण से तू अंग सजा ले ये आभूषण जो है इनसे तू शरीर को सजा रहा है जब तक जीभ पर राम का नाम नहीं है ये सब गहने बेकार रावण भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम ना आवे रसना पर हरि नाम ना आवे रसना पर हरि नाम ना आवे भूषण से सब अंग सजाए रसना पर हरि नाम ना आए रसना पर हरि नाम ना आए अरे देह पड़ी रह जाए यही पर देह पड़ी रह जाए देह पड़ी रह जाए यहाँ पर फिर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या भाई रे अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष्णु पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम जय जय Thank you.
संसार में घूम रहा है ना, प्रकृति के नजारे देख रहा है, सारे तीर्थों पर घूम रहा है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरता तुम्हारा मारा, क्यों फिरता फिर मारा मारा। ओ तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरता तुम्हारा मारा, क्यों फिरता तुम्हारा मारा, क्यों फिरता तुम्हारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो काशी और मदीना क्या, हरि नाम ही तो तेरा क्या, हरि नाम ही तो तेरा क्या। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, शेष बाहु सन परे लड़ाई, समर बाल सन कर जस पावा, सुन कभी वचन नहीं आवा, खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ने तोरहु रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमारक गावी, जिन मोहि माराते मैं मारे, कोई न कछु बांधे कई लाजा, विनति करूं जोरी कर रावण, देखूं तो मन कुल ही विचारे, भ्रम तज भरऊ भगत बिहारी, चराचर कब हो नहीं कीजे मोरे कह जाकी कीजे, नत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, ओ मंगल भवन मंगल हारे, रमौ सु दशरथ अजर बिहारे, जिन दयाल बिरज सवारे, हरौ नाथ मम संकट भारे, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहु, विमल मलंका राम नाम बिन किरान सोहा, देख विचार जाग मन मोहा, पतन हीन नहीं तोरी, सब भूतन भूत बरे नारे, राम दुख संपत्ति सब तारे, गाय रही पाए बिन पाए, सजन बोल जिन कर जिन पाए, अभी मुख राम त्राता नहीं कोपे, शंकर सहज विष्णु अज दो मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग तमा विमान, मंगल भवन मंगल हारे, और रावण को बहुत समझाया, बहुत ऊंच नीच की बात की, साम दाम दंड भी थोड़ा सा डराया भी, थोड़ा सा लालच भी दिया, थोड़ा सा प्रेम से थोड़ा धमका के, क्योंकि हनुमान जी की मन में डर की तो कोई बात नहीं, जिसके मन में राम और जिसके सिर पे राम का हाथ, वो कैसे रावण से डरेगा भाई। रावण दो ही रास्ते हैं भाई, अच्छा या बुरा, पुण्य का या पाप का, तेरी मर्जी है जिस रास्ते पर चल, जैसा चलेगा वैसे ही भरेगा।
राह बस दो ही बनी है पुण्य की और पाप की, राह बस दो ही बनी है पुण्य की और पाप की, कौन से रास्ते पे चलना ये है मर्जी आपकी, कौन से रास्ते पे चलना ये मर्जी हारा, बस दो ही बनी है पुण्य की और पाप की, पुण्य जय श्री राम। तालियां दाता ने तुझको राज यश और बल मिला, रावण ये मेरे राम की कृपा है, की कृपा दाता ने तुझको राज बल और राज यश और बल मिला, की कृपा तुझको राज यश और बल मिला, कर्म है अधिकार तेरा कर बुरा या कर भला, कर्म है अधिकार तेरा कर बुरा या कर भला, फूंक देगी तुझको अग्नि, फूंक देगी तुझको अग्नि सीता जी के शाप के, भूख देगी तुझको अग्नि सीता जी के शाप के, राह बस दो ही बनी है पुण्य की और पाप के, राह दो ही बनी है पुण्य की और पाप, जय 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 एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से आधी घड़ी, जो प्रभु चिंतन में गुजरे सात जन्मों से बड़ी, जो प्रभु चिंतन में गुजरे सात लाख रत्नों से है ऊंची, लाख रत्नों से है ऊंची श्वास एक एक जाप के, लाख रत्नों से है ऊंची श्वास एक एक जाप के, राह बस दो ही बनी है पुण्य की और पाप की, जद भी कही कभी अति हित बानी भगत विवेक विरत में सानी, अभिमानी
सुन कपि बचन बहुत खिसियाना लेकिन हर हूँ मोड़ कर जाना नाइसिस करी अभी मैं बहुता नीति विरोध न मारी अजूता सुन तो भी हस बोला दस मंदर भाग भाग कर अभी मैं ममता पूछ पर सब कहूँ समझाए मंगल भवन मंगल हारे सुदशरथ अजर बिहारे दयाल विरज संभारे पूछ ही बानर कह जाए तब सठ निज नाथ ही ले आए भजन सुनत कपि मन मुस्काना कैसा है शारद रहान नगर बसंत तेरा गाड़ी पूछ तीन कपि तेरा ढोल दे सब तारी नगर तेरी पुण्य पूछ प्रजारी आने भुग चढ़ो कपि कनक अटारी पैसा दे श्री राम जय राम जय जय रामा साहब बोले श्री बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया लेकिन उसको समझ नहीं आया और उसने कहा ये वानर कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, सैनिकों को आदेश किया इसका वध कर दो। उधर से विभीषण जी आगे, उन्होंने कहा भैया दूत का वध करना नीति संगत नहीं है, आप ऐसा करो यदि आप इसको कुछ दंड ही देना चाहते हो कुछ छोटा मोटा दंड दे दो, छोटा मोटा दंड दे दो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को पीछे से पकड़ा, पकड़ के उठाया, महाराज जी पकड़ के उठाया पूंछ को, माथे से लगाया किया, ओहो कपि के ममता पूंछ पर सभी कहूं समझा, पूंछ बहुत प्यारी है भैया इसको, तेल बोरी पटवान के पावक पूंछ के दुश्मन बहुत होते हैं, जिसकी पूंछ ज्यादा हो गई उसके दुश्मन ज्यादा, जितनी बड़ी पूंछ उतनी ज्यादा दुश्मन, लगा दो इसकी पूंछ में आग। रहा न नगर बसन घर तेला बाढ़ी पूंछ की कभी खेला, सारे घरों से घी तेल कपड़ा सब सामान हनुमान जी की पूंछ पर लपेटा गया। लंका में कोई घर ऐसा नहीं बचा विभीषण को छोड़ के जहां से सामग्री का सामान ना आया हो। ठीक है जी, ये युद्ध नीति है। हनुमान जी ने चारों साम दाम दंड भेद देखिए आप समझाया, लालच दिया, दंड अब देने जा रहे हैं और भेद अभी थोड़ी देर में होगा। चारों नीतियां अपनाई हैं और ये एक ये भी युद्ध नीति है कि पहले दुश्मन को कमजोर कर दो। जब लंका के अंदर घी तेल कुछ खाने को बचेगा ही नहीं सैनिकों के लिए तो ये क्या युद्ध करेंगे। तो हनुमान जी ने समस्त लंका के सामान को अपनी पूंछ पर लपेट दिया। जैसे जैसे सामान पूंछ पर लिपटता जा रहा है हनुमान जी की पूंछ लंबी होती जा रही है और जैसे जैसे पूंछ लंबी होती जाती है रावण के हृदय में अग्नि तेज होती जा रही है और हनुमान जी ने अपना रूप बना लिया छोटा सा
सूक्ष्म से रूप में आ गए हनुमान जी। जब तुम्हारी पूछ ज्यादा हो जाए, सुनो, समाज में मान सम्मान ज्यादा हो जाए, पूछ ज्यादा हो जाए, इज्जत ज्यादा हो जाए, तो छोटे बन जाओ। छोटे बन के ही बड़े काम कर सकते हो। बालक जैसे बने रहो जैसे नन्ही दूब, और बड़े बड़े बही जात हैं दूब खूब की खूब। कभी जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जो दूब होती है ना वो वहीं रह जाती है। तो बड़े उखड़ जाते हैं और छोटे जमे रह जाते हैं। बड़े काम करने के लिए छोटा बनना जरूरी है। पूछ बड़ी हो जाए तो तुम छोटे हो जाओ। और हरि प्रेरित तेई अवसर चले मरुत उनचास, अट्ठास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भालोग बिहाला, लपट लपट लंगोज कराला, तात मात हा सुनिए पुकारा, ऐ अवसर को तुमने उभारा, हम जो पाए कति नहीं होए, मानर रूप धरे तुर कोए, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे अगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही, विभीषण का घर बचा क्योंकि वहां से कोई सामग्री नहीं। हनुमान जी ने सोचा जो जो सामग्री लाया उनके घर प्रसाद तो पहुंचाना जरूरी है, सबके घर पहुंचा दिया, विभीषण जी के घर नहीं। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा पुलट पुलट लंका सब जारी, पूछ बुझाई खोई श्रम धरे लग रूप बहोर, मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अमात मोहि दीजे कछु कीना, रघुनायक मोहि दीना, जूड़ा मन उतार तब गयो, हर समेत भवन सुदशरथ गयो, तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारे, हर पात सख सुत कथा सुनाए हो, मास दिवस महुनाथ आवा तो कोई मोहि यत नहीं पावा, कोई देखी सी तल भई छाती, कोई मम हूं सोई सिंह कोई राजी, जनक चतई सब जाए गरीब बहु विधि धीरज दीन, चलत महामुनि कर जस भारी, हर से सब दिलो के हनुमाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मिले सकल अति भय सुखारे, चले हरस रघुनायक राजा, अब मधुबन भीतर सब आए, रखवारे जब मर जन लागे, जाई पुकारे ते सब बनु जार विराज, जो न हो सीता सुधि पाए, हनुमान के यही विधि मन विचार कर राजा, आए सबन नावा पद सीता, पूछी कुशल कुशल पद देखी, नाम काज की ने हनुमाना, सुनि
सुग्रीव बहुर कही मिलो रघुपति पै चलो राम कपिन जब आवत देखा भटक शिला बैठे दो भाई प्रीति सहित रघुपति करना मंगल भवन घुराया शुभ कुशल निरंतर कोई विजयी विनयी गुण सागर प्रभु कृपा भयो सब नाथ पवन सुख की जो करनी पवन तन के चरित सुहाए सुनत कृपा निधि मन अति भाए हनुमान हर जोर गाए कह उतात कही भाति जानकी अब बाहर दिवस की ध्यान तुम्हार कपाट मंगल भवन मंगल हारे चलत माही जीवड़ा मंदिर हाथ जुगल लोचन बरबारे अमृत समेत कहे प्रभु शरणा मन क्रम वचन चरण अनुरागी एक मोर मेहमाना गन तन तूल समीरा नयन सर्वस जल विलित लागे सीता के अति प्रसारा मंगल भवन मंगल हारे विष्णुनाथ भी चाहे संगीत हो दीन दयाल विरद संभारे नाथ ममता कट भारे सुन सीता दुख सब सुख आयना वचन काय मन मम गति जाए हनुमंत विपति प्रभु सोए एक बात प्रभु जा तु धान के सुन कपि तो ही समान उपकारी प्रतु उपकार करो का तोरा सुन सुत तो ही उरन में आए मन मुनि कति ही चितव सुर जाता सुनि प्रभु वचन के लोग मुख गाता है हनुमंत बार बार प्रभु चहे उठावा प्रभु कर पंकज कपि कह सीता सावधान मन कर पुनि शंकर कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कहू कर कहू कपिवावत पावत लंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना आखा भग में बड़ी मन आए आखा के आखा पर जाए नाभि सिंधु हाटक पुर जारा निशितर कन मिल सो सब तब प्रताप रघुराए अब हनुमान जी जब माता सीता की से निशानी लेकर उधर आ गए श्री रामचंद्र जी के पास सबको पता लगा माता सीता का पता लगा कर आ गए हैं बहुत प्रसन्न हुए भगवान श्री राम ने उनको उठाकर हृदय से लगाया हे तात
तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, ये ऋण मैं कैसे उतारूं। हनुमान जी श्री राम के चरणों में पड़े हैं, प्रभु मुझे अपने चरणों में ही पड़े रहो, बार बार मत उठाओ। बोले अच्छा तुम एक बात बताओ, ये सतयोजन सागर तुमने कैसे पार कर लिया, लंका को तुमने कैसे जला दिया, सीता का पता तुमने कैसे लगाया। बोले प्रभु इसमें तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आपने जो मुझे अंगूठी दी थी उस पर आपका नाम अंकित है, और वो मैं मुंह में ले गया, अपने मुंह में आपकी अंगूठी लगकर, जिसके मुख में राम का नाम है वो ये सागर तो क्या, वो तो बड़े बड़े महासागर पार कर सकता है, भवसागर को पार सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उधर से माता सीता ने अपने निशानी चूड़ामणि मुझे दे दी, तो फिर तुमने लंका कैसे जलाई। बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हनुमान जी कहते मैंने कुछ किया ही नहीं, यहां जरा सा कोई काम कर दे 70 जगह ढिंडोरा पीटते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए फिर भी कहते मैंने तो कुछ किया ही नहीं प्रभु, सब आपने किया। लंका को कैसे जलाया? बोले लंका को जला दिया सीता के संताप ने। बोले वो कैसे और किसने? बोले आपके प्रताप ने जलाया, संतों के शाप ने जला दिया, और हमारे बाप ने जला दिया जो पवन देव है, चले मरुत 49। क्यों हुआ यूं कि जब लंका में आग लगी हुई थी तो किसी ने जाके कहा रावण से कि सारी लंका जल रही है। रावण ने इंद्र देवता को कहा, सारे देवता तो उसके अधीन है, बोले बारिश करो फटाफट इस आग को बुझाओ। इंद्र ने मेघों को बादलों को आदेश किया, बादलों ने जो है बौछार बारिश की शुरू कर दी, मूसलाधार बारिश लंका के ऊपर, मूसलाधार बारिश। लेकिन उधर से जो हमारे पवन पुत्र के पिता जो है ना पवन जी, पवन देव, 49 प्रकार की हवा चली, 49 टाइप्स ऑफ विंड, तूफान, ऐसा तूफान चला, बारिश हो रही है लंका के ऊपर और पड़ रही है कहीं बाहर। तो प्रभु कुछ हमारे बाप ने लंका जलाई, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोले नहीं हनुमान जी तुम घुमा रहे हो बात को। बोले सुनो, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है, हरि आपकी दया से सब काम हो रहा है, हरि आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे रघुवर, करते हैं मेरे रघुवर, मेरा नाम हो रहा है, हरि आपकी दया से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। अच्छा किन किन किस किस के काम भगवान श्री राम की दया से हो रहे हैं जरा बताना, तो फिर तालियां प्रभु श्री राम के लिए। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमा करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, हरि से सब काम हो रहा है। जय जय Thank you.
प्रभु। तेरा नाम मेरे मुख में, मैं पार क्यों ना जाऊं। तेरा नाम मेरे मुख में, मैं पार क्यों ना जाऊं। तेरी याद मेरे दिल में, मैं हार कैसे जाऊं। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे रघुवर, करते हैं मेरे रघुवर, मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपकी दया से। सब काम हो रहा है हरि आपकी दया से, सब काम हो रहा है। ता कहूं प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। भाव बदलाव नहीं यार सकल कल। नाथ भगत अति सुखदायिनी, सुन प्रभु परम सरल कपि बानी। उमा राम स्वभाव जही जाना, यह संवाद जासूर आवा। रघुपति चरण भगत सोई पावा, सुन प्रभु वचन कहे कपि वृंदा। तब रघुपति कपि पत ही बुलावा, चले कर करम बनावा। अब विलंब के कारण कीजे, हो तुम देख सुमन बहु हर से। भवन चले सुन हर से, मंगल भवन अमंगल हारे। कपि पति वेग बुलाए, आए जूथक जूत। मंगल भवन अमंगल हारे, दशरथ बिहारे। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, देख राम सकल कपि सेना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, हर्ष राम तब कीन पयाना। सुगन गए सुंदर सुगनाना, जास सकल मंगलमय कीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, जोई जोई सगुन जान की होई। सगुन भया वो रावन नहीं दोई, चलाए कटक को भर में पारा। भर जई रानर मालू अपारा, रख आयुध गिर पादप धारी। चले गगन में इच्छा चारी, के हर नाम आल कपि करही। जगमगए दिंगज दिंग करही, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी लोल। सागर खर भर अनहरस सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख सर। कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटि। जय राम प्रबल प्रताप कोसल नाथ, गुण गन गावहि सही सकन भार उदार। अहि पति बार बाई मोहि, कई दशन पुनि पुनि कमल पष्ट कठोर। सुखिति सोहि रघुवेर रुचिर प्रयान, पृष्ठ जान परम जन कमट कर पर सर्वराज। सुन कटे चल पारी, ये विधि जाय कृपा निधे। उगरे खागर पीर माता लागे खान पल्ले मान।
उहां निसाचर रही ससंका जब ते जार गयो कपिलंका निज निज गह तब करी जासुदोत बदर निन जाए तेरी आए पुर कवन भलाए जो दिन सन सुन पुर निर्वाही मतो दरियार के लगाही रैस जोर कर पति पग लागी बोली बचन नीत रस पागे संत करस हरि सन करि है नोर कहाई समझत जासुदोत कह करी प्रवय गर्भ रजनी कर कमल बिपिन सुखदाय सीता से सुनिशा समझाए सुनऊ नाथ सीता राम बान अही गण सरिस निकर निशा चर भे जब लगी गुसत में तब लगी जतन कर मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी श्रवण सुनि सठता कर बानी विहिता जगत विदित अभिमानी जो आवे मर कट कट खाए बिहि बिचारे किस कर खाए कब पहिरो कब जागी त्राचा का सुनार सभी सुबढ़ियाना अस कही लाए चले तबाब हम तारी खाए पंचोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विपरीता ते सब हंसे मस्त कर रहूं सचिव बैल गुरु तीन जो प्रिय बोले बैराज राज धर्म तन तीन कर कोई रावण कहु बनी कहाई स्तुति कर सुनाई अब सर जान विभीषण आवा माता चरण की सुतेरी रावा तुन सुर नाए बैठ निज आसन भोला वचन पाए अनुशासन जो कृपाल पूछे कोई माता मति अनुरूप कहो नीति ओ जो आपन चाहे कल्याणा सो पर नार मिलार गोसाई अजो दे भुवन एक पति होए गण सागर नागर नर जो काम क्रोध मन लोभ सब नाथ नरक के पंच मंगल भवन मंगल हारी आत राम नहीं कर भूपाला कर काला ब्रह्म राम अज भगवंता बोधज देव देव हितकारी धन रंजन भंजन खल दाता ताहि बयर तज नाई माथा देहु नाथ प्रभु कहु बैर शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा जा सुनाम त्रैताप न सावन बार बार बदलाओ बिना करम दशेष मुनि प्लस सत्य सामने कई पठे बात मानवंत अति सचिव सयाना विभूत करस कहत सठ तो
मालवंत ग्रह गयो बहोरी सुमत कुमत सब के उर रही जहाँ सुमति कह संपति कबूर कुमत बसी काल रात निश्चर कुल केरी धक्षत गई मानू रख मोर गुलार बुध पुराण चुन संपत बानी सुनत दसानन उठार साई जियसी सदा सठ मोर जियावा कैसे न खल अस को जग माही ओ मम पुर बस तप चिर पर प्रीति अस कही की नस चरण प्रहारा श्री राम जय राम जय जय राम इधर से जब श्री रामचंद्र जी की सेना लंका पर आक्रमण के लिए चली मंदोदरी ने भी बहुत समझाया रावण की सभा में सभी बैठे थे मालवंत जी भी आए उन्होंने भी कहा कि भैया इतना काम हो गया इनको तुम साधारण पुरुष ना समझो विभीषण ने बहुत प्रार्थना की अधिक प्रार्थना करने पर रावण ने विभीषण को लात मार दी भाई बोले तू घर का भेदी लंका डावे है सब तेरा ही करा धरा है मैं उस बानर का पहले ही वध करवा रहा था तूने आके छुड़वाया उसको सारी लंका को जला गया और सारी लंका को जला गया तेरा घर नहीं जलाया तेरी उससे जरूर कोई मिली भगत है फिर अब फिर वही बात कर रहा है ऐसा है खाता यहां का है गुण मेरे दुश्मन के गाता है तो वही चला जा बहुत समझाने के बाद भी रावण ने उसको लात मारी दी देखो भैया यदि कोई समाज में परिवार में गांव में मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल ही अधर्म के रास्ते पे चले ही जा रहा हो और बात ना मानता हो तो लात खाने से पहले उधर से पीट कर लो तो ज्यादा अच्छा ये तो लात लगती है किसको समझाओगे जिसके समझ में आएगा उसी को तो समझाओगे लग गई विभीषण को लात और किसी को भी लग सकती है हम आप किसी को भी लग सकती है कोई ऐसा बच्चा ही पैदा हो जाए कोई ऐसा बड़ा हो कोई परिवार में हो कोई समाज में हो जो बिल्कुल ही ना माने तो आपको क्या कर सकते हो आप भगवान से प्रार्थना ही तो कर सकते हो केवल प्रार्थना करिए लात लगने से पहले ही समझ जाइए फिर भी उमा संत कई इहें बड़ाई मंद करत जो करई भलाई तुम पितु सरिस भले मोहि मारा राम भजे हित सचिव संग ले नभ पति गयउ सब ही सुनाय राम सत संकल्प को सभा काल बस्तोर अस कही चला तिथि सन जब ही साधु अब क्या तुरत भवानी रावण जब ही विभीषण त्यागा चल हरष रघुनायक पाही देखियो जाई चरण जल जाता जे पद परस तरी ऋषि नारी जे पद जनक सुता उर लाए हर उर सर सरोज पद से जिन पायन के पदुकनी भरत रहे मन लाए मंगल भवन अमंगल हारी अब भीषण जी ने कहा अच्छा तो मैं लंका को त्याग कर श्री राम के ही पास जा रहा हूँ
लंका की ओर हो गई विभीषण जी की पीठ और श्री राम जी की तरफ को हो गया मुंह। जब अपना ध्यान, अपनी आंख, अपना मुंह, अपना विचार, अपना सोच श्री राम की तरफ होंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक संसार की तरफ से आपकी पीठ हो जाएगी, माया से मुंह मोड़ लो। अबे भीषण जी क्या सोच रहे हो? मैं बनकर दीन भिखारी श्री राम शरण में जाऊं। जय जय बनकर दीन भिखारी श्री राम शरण में जाऊं। मैं बनकर दीन भिखारी श्री राम शरण में जाऊं। मैं भक्तों के संगत में, मैं भक्तों की संगत में सदा राम नाम गुण गाऊं। मैं भक्तों के राम नाम में ओ, जिन चरणों ने ऋषि नारी अहिल्या, जिन चरणों ने ऋषि नारी बड़े भारी शाप से तारी। जिन चरणों ने ऋषि नारी बड़े भारी शाप से तारी। उन चरणों में सर रख कर, उन चरणों पर सर रख कर जीवन को धन बनाऊं। मैं बन कर दीन भिखारी श्री राम शरण में जाऊं। जब मुंह फेर लिया संसार से, जब संसार से मुंह फेर लिया तो प्रभु के चरणों के अलावा और दिखता ही कुछ नहीं है। ओ पदुकनिया जिन चरणों के श्री भरत ने सिर पर धारे। पदुकनिया जिन चरणों के श्री भरत ने सिर पर धारे। ओ पदुकनिया जिन चरणों के श्री भरत ने सिर पर धारे। ओ पदुकनिया जिन चरणों के श्री भरत ने सिर पर धारे। पद कमल के रज सर रख के उन चरणों की, उन चरणों की धूल अपने सर पर रख के। ओ पद कमल के रज सर रख के मैं भव सागर सर जाऊं। मैं बन के दीन भिखारी श्री राम शरण में जाऊं। ओ जिन चरणों की धोवन पीकर, चरणों की धोवन पीकर, हो जिन चरणों की धोवन पीकर केवट ने परम पद पाया। जिन चरणों की धोवन पीकर
उन चरणों की महिमा को, उन चरणों की महिमा को संग सुंदर लाल के गाओ, उन चरणों की महिमा को संग सुंदर लाल के गाओ। मैं बन कर दीप बिहारी श्री राम शरण हाँ। जिन पायन के पदु तने भरत रहे मन लाए, यही विधि करत स प्रेम विचारा, कपन विभीषण आवत देखा, आहि राख कपीस पहियाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह प्रभु सखा बुझिए काहा, जान न जाय निसाचर माया, भेद हमार लेन सठ आवा, सखा नीत तुम नीक बिचारी, सुनि प्रभु भजन हर्ष हनुमाना, शरणागत कहूँ जे तल ही निजानी अनुमान, मंगल भवन या मंगल भारी, कोट पित्र बदला गई जाऊ, सनमुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अज्ञानाशय पाप वंत कर सहज सुभाओ, जो मैं दुष्ट रे सोई होई, अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा, भेद लेन पटवा रस सीधा, जग महु सखा निसाचर सेते, जो सभीत आवा सरनाए, उभय बात तैयार हो हंस गई कृपा के, सादर ते आगे करवानर, तो रहते के दो प्राता, ओहुरी राम छवि धाम अभिलोही, भुज प्रलंब कैं चारुन लोचन, सिंह कंद आयत उर सोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, सहज पाप प्रिय तामस देखा, श्रम सुजस न्याय हूँ प्रभु भंजन बबीर, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, बस कही कर दंडवत देखा, दीन भजन सुन प्रभु मन भावा, अनुज सहित मिल लिंग बैठारी, बहुलंकेश सहित परिवारा, खल मंडली बसहु दिन राती, मैं जानव तुमरी प्रभु पाई, मैं जानव तुमरी सब रीति, भर भर भाग नरक कर दाता,
अब पद देख कुशल रघुराया सब लगे कुशल जी कहूँ सब मन विश्राम सब लगे हृदय जब लगे उर न बसत रघुनाथा ममता करुण तमी अंधियारी सब लगी बसत जीव बनवाही अब मैं कुशल मिटे मैं भारी तुम कृपाल जा पर अनुकूला मैं निश्चर अति अदम सुभाओ जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा अहो भागव अमित अति राम वसु कुंज सुनहु सखा कहन सुभाओ जो नर हो चरा चर कोही तज मोह मोह कपट छल नाना जननी जनक बंधु सुत दारा सबके ममता नाग बटोरी समदर्शी इच्छा कछु नाही अस सजन मम उर्वस कहते तुम सरीखे संत प्रिय मोरे सगुन बोध पर ही सुन लंके सकल गुण तोरे हो राम भजन सुनि बानर झूठा सुनत विभीषण कैवानी पद अम्बुज गही बारही बारा सुनहु देव सचराचर स्वामी और कछु प्रथम वासना रही अब कृपाल निज भक्त पावनी एव मस्तु कही प्रभु रन धीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा जदपि सखा तव इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही हस कही राम तिलक ते ही सारा सुमन वृष्टि नब भई अपारा। विभीषण जी को लंका में जब थे तो कुछ थोड़ी सी कामना लालसा हो सी विभीषण जी धन्य हो गए और जब विभीषण जी की कोई इच्छा नहीं रही तो भगवान श्री राम ने उनको लंका का राज दे दिया। जब तक इच्छा मन में है तब तक शायद कुछ ना मिले, जब इच्छा समाप्त हो जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है। देने वाले का ये नहीं पता वो हमें क्या देना चाहता है। हमारी मांग बहुत तुच्छ हो सकती है, छोटी मांग हो सकती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कई बार घर में खिलौने आ जाते हैं, बच्चा उठा के खेल रहा है, कभी हाथ को कभी पैर को मुंह को लगाता है, बड़े उसको छीन लेते हैं, भाई इसके मुंह में अगर ये चाइना के खिलौने आ रहे हैं आजकल हैं तो इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो जैसे माँ बाप बच्चे से खिलौना छीन कर फेंक देते हैं कि मेरे बच्चे का इसमें अहित ना हो, वैसे ही मेरे राम पता नहीं हमें उस खिलौने के बदले कितनी बड़ी क्या चीज देना चाहते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मिलता तब है जब लेने की इच्छा ना हो, केवल और केवल कर्म करें, अपना कर्म, अपना काम है सेवा, शरीर से सेवा। ये शरीर है सेवा के लिए और ये मन है सुमरण के लिए, दोनों चीजें अलग अलग है। हैं? शरीर संसार की सेवा के लिए, आत्मा और मन प्रभु सुमरण के लिए, दोनों तलों पर कर्म होगा। जो संपत्ति शिव रामन ही दीन दिए दसमान, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन भूत बिछाना, निज जन जानिताई अपना।
सर्वज्ञ सर्वोर्वासी भोले वचन नीत प्रतिपालक सुन कपीस लंका पति वीरा संकुल मकर उरग झस जाती पहलन के सुनहु रघुनायक जद पि तदप नीति हस जाए सब तुम्हार कुल गुरु जल से उपाय सखा कहे तुम नीति उपाय मंत्र लक्ष्मण मन भावा नाथ देव कर कवर भरोसा आदर मन कौ एक आधारा सुनस बिहस बोले रघुवीरा अस कही प्रभु अनुजय समझाए प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई जब ही विभीषण प्रभु पैयाए सगल सिर सिंह देगे धरे कपट कपि देह प्रगट बखा नहीं राम सुधारो ऋतु के दूत तपिन सब जाने कह सुग्रीव सुनहु सब वानर सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए बहु प्रकार मारन कपिलाए जो हमार हर नाता काना सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए रावण कर दी जहु यह पाती कई मुख अगर मूड सन मम संदेश उदार तुरंत नाय लक्ष्मण पद माथा कहत राम जस लंकाए हस दसानन पूछी माता कछु खबर विभीषण केरी भरत राज लंका तट त्यागी कोनी कहु भाल किस तट जाए जिनके जीवन कर रखवारा सब संत के बात बहोरी जी भाई बैठ के फिर गए नाथ कृपा करी पूछहु जेहि मिला जाए जब अनुज तुम्हारा रावण दूत हमें सुनकारा क्रम नासिका काटे लागे पूछहु नाथ राम कटकारी सारा वरण भालु कपिधारे देह पर देहु हदेउ सुत तोरा हो अमित नाम भजे गढ़ निकराला विर्मक नील नल अंगद गतिकास है कपि सब सुग्रीव समाना राम कृपा तुलित बल ते नहीं अस मैं सुना श्रवण दस कंदर नाथ कटक मैं सो कपिनाई परम क्रोध मीजे सब हाता तो
सही सिंधु सहित यश व्याला गर्द गर्द मिल वही रस सीता कर जही नर जही सहज अशंका सहज सूर्य के भान सब पुनिस पर प्रोग्राम ओ राम तेज बल बुद्धि विपुलाई सक सरे सोश सत सागर सासु बचन सुनि सागर पाही सुनत बचन भी सागस सीता सहज भीरु कर बचन दृढ़ाए मूढ़ मृषा का करस बढ़ाई सचिव सभीत विभीषण जाके सुनि खल बचन दूसुर बाड़े रामानुज दीनी शिवाम कर ली रावण पत्नी रिहाई सट जान कर कीर्तन मान अनुज बंद हो सुनत सब है मन मुन मुस्काई भूमि पर आकर गहत आकाशा कह सुखनाथ सत्य सब वाणी सुनहु बचन सुनहु बचन नम परिहरि क्रोधा अति कोमल रघुवीर सुभाओ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि जनक सुना रघुनाथ ही दीजे जब ते कहा देन पैदेही आई चरण सिर चला सुता करि प्रणाम कथा सुनाई ऋषि अगस्त की सात भवानी भक्ति राम बजवा रही बारा बिना मान जल्दी चढ़ गए सिर बिंदीत लक्ष्मण बाण सरासन आनो सख सन बिनय कुटिल सब प्रीति हम तारत सन ज्ञान कहानी क्रोध समता नहीं हरि कथा बस कहीं रघुपति जाप चढ़ावा संता ने प्रभु दिशक कराला मकर उरग जस घन अकुलाने कनक थार भरि मन गन माना काटे पे कतरी फरे कोट जतन कौशीच ओ सभे सिंधु गहि पद प्रभु के रे गगन समीर अनल जड़ धरनी सब प्रेरित माया उपजाए प्रभु आयस जय कह जस कही प्रभु भल दीन मोहि सिख दीनी ढोल गवार सूत्र पसुनारी ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी इसके अर्थ के अनर्थ बहुत हो रहे हैं कुछ लोग कहने लगे हैं जो बाबा तुलसीदास जी के विरोधी हैं रामचरितमानस के विरोधी हैं कि भाई ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए था ढोल गमार शूद्र पशुनारी के लिए तो बोलना नहीं चाहिए था सकल ताड़ना के अधिकार किंतु यहां पर बाबा तुलसीदास जी का अर्थ कुछ और है। देखो कविता में मात्राएं होती हैं
और मात्राओं के अनुसार ही शब्द को ढूंढना पड़ता है, और शब्द भी वैसा हो जो उसका अर्थ उस प्रसंग से मेल खाता हो। तो ताड़ना अर्थ जो है, ये ताड़ना शब्द जो है, ये तुलसीदास जी ने समझने के लिए लगाया, सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे मैंने आपको ताड़ लिया, मतलब मैंने आपको समझ लिया, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन, वो है ताड़ना, समझ लेना, ढोल को समझ लेना, गमार को समझना, शूद्र को समझना, पशु को भी समझना और नारी को भी समझना है, समझ के इनके साथ व्यवहार करना। ताड़ना का अर्थ है समझना। वैसे भी देखो ढोल, अब भैया का ढोल है, इसको कितना चढ़ाना है, कितना उतारना है, ये समझना आवश्यक है। क्यों भैया जी, है ना, कितने स्केल पर ऊंचा जाएगा कि नीचे, उतना ही आप चढ़ाओगे इसको। गंवार का अर्थ है जिसका, जिस आदमी का व्यवहार ठीक ना हो, जिसकी सोच ठीक ना हो, जिसके क्रियाकलाप ठीक ना हो, बदतमीज हो, समाज में जिसकी छवि खराब हो, उसको गंवार कहेंगे, चाहे वो गांव में रहता हो चाहे शहर में रहता हो। उसके साथ व्यवहार समझ के करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उसको बहुत ऊंची बात समझा रहे हो, उसको कुछ समझ नहीं आएगी, इसलिए समझ के, जैसे कि विभीषण ने ज्यादा समझाया था रावण को, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और शूद्र, शूद्र का अर्थ है जो निम्न जाति है, जैसे चार वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण को भगवान का सिर कहा गया है, क्षत्रिय को उसको भुजाई कहा गया है, वैश्य को उसका उदर कहा गया है, और पैरों को शूद्र कहा गया है। शूद्रों का कार्य सेवा। अब ये पैर जो है, इसके बिना शरीर चल नहीं सकता, बिना शूद्र के समाज का कोई कार्य हो नहीं सकता। तो शूद्र को अच्छा, हम सोचते हैं कि ये छोटी जाति है, ये हमारी सोच ठीक नहीं है। क्यों, छोटा कैसे है, इस शूद्र के साथ ही ब्राह्मण का मिलन होता है, इसका मिलन इसके साथ होता है। जब हम किसी संत के सामने जाते हैं, किसी सज्जन के सामने जाते हैं, या अपने किसी बुजुर्ग के सामने जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपना सर उसके पैरों में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रखते हैं ना आशीर्वाद लेने के लिए। यह ब्राह्मण कहां टच हुआ, ब्राह्मण शूद्र के बगैर अधूरा है, शूद्र के बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए शूद्र को समझना भी जरूरी, इनको ताड़ लेना, इनको कोई ऐसी बात ना कहे कि इनके दिल पर लगे, उनका मान सम्मान भी आवश्यक है। और नारी का तो, नारी तो समाज का आधार है, नारी सृष्टि का आधार है। अभी हमारे त्यागी साहब की बिटिया की शादी है, 3-4 दिन बाद, बिटिया तो घर की रौनक होती है, लक्ष्मी का वरदान होती है बेटी, तो बेटी माँ का प्यार, बाप का दुलार, बेटी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, अपने से बड़ों का मान सम्मान रखना, संस्कारों को और आगे तक ले जाना, और अपने से छोटों को, भाइयों को, बहनों को कामयाब करना, उसके बाद विवाह के बाद अपने अगले परिवार को अपना घर समझ लेना, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझ लेना, पति को परमेश्वर समझ लेना। तो ये नारी अलग अलग रूपों में समाज का आधार बन चुकी है, इस नारी को जितना सम्मान दिया जाए उतना ही कम है। बेटी के अनंत रूप होते हैं, अनंत रूपों में, कहीं वो बेटी है, कहीं वो पति नहीं है, कहीं वो अलग अलग रूप है, कई घरों का सम्मान, कई घरों को आगे ले जाने वाली होती है बिटिया। ऐसी बिटिया के लिए हम आज भगवान से प्रार्थना करें, बालाजी महाराज से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस बच्चे का जैसे यहाँ पर लाड दुलार के साथ लालन पालन हुआ है, वैसे ही इसको आगे का घर संसार मिले, और ये अपने संस्कारों को, अपने शिक्षा को, अपनी दी हुई सीख को वहाँ पर उसका प्रयोग करके उस परिवार को और आनंद से और आगे बढ़ाए। इन शुभकामनाओं के साथ हम बालाजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें और अपना अपना आशीर्वाद इस बिटिया को दें। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी
सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाप सुहाई उतरे कटक में विपराई प्रभु आज्ञा पेल सुतिदाई सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काए मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी नाथ नील नल कपि दोहाए तिन के परस किए गिरिहारे करिहरि जल पुनपुर हरि प्रभु प्रभुताए हरि हम पर हनुमान ओ एहि विधिनाथ पयो दीपनाये जेहि ये सुरस लोके उत्तर तक पासे हरम नाथ पले दरे सुन कृपाल सागर मन पीरा तुर कही हरे राम रन पीरा ओ देखी राम बल पोरुष भारी हरे सकल चरित कही प्रभु सुनाज भवन गवन उसी दूसरी रघुपति सुख भवन संशय समान कवन विषाद रघुपति गुण गना सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गा मंगल भवन मंगल हारी दयाल बिरधु संहारी श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचमः सोपान। यह सुंदरकांड पाठ जिन घरों में होता है वहां की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। क्यों? सवाल उठता है ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं जैसा जैसी सोच वैसा ही जीवन हो जाता है। श्री सुंदरकांड पाठ में हमारी सोच जैसे जैसे हनुमान जी की यात्रा आगे बढ़ती है हमारी सोच उसके साथ साथ चलती है। हनुमान जी की बुद्धि को हम उस पर विचार करते हैं, हनुमान जी के बल पर हम विचार करते हैं, हनुमान जी के निर्णय लेने की क्षमता को हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। हनुमान जी ने छोटे बनकर कैसे बड़े बड़े कार्य किए ये भी हम देखते समझते हैं। ये सारी चीजें जब हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती हैं तो हमारा चिंतन का स्वभाव बदलने लगता है। जब चिंतन बदला तो कर्म बदले और कर्म बदला तो जीवन बदला, तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। छोटी मोटी भूत प्रेत बाधाएं सब नाम लेते ही दूर हो जाती हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, अकेले में भी कर सकते हैं, सामूहिक भी करें और विशेष तौर पर जो आने वाली पीढ़ियां हैं बच्चों को इसकी महिमा अवश्य समझाएं। और इसी के साथ हमारी जुबान से कोई त्रुटि किसी प्रकार का कोई गलत शब्द निकला हो मैं अब श्री बालाजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं।
मुझे क्षमा करें प्रभु, जैसा उल्टा सीधा आता है आपका गुणगान किया। आप सभी से प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, और अब इसके बाद थोड़े भजन होंगे। और हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दी मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, जय तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजर से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, उसके चमन की कली खिल गई है, चमन की कली खिल गई है, ओ जब से नजर से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, ओ उसके चमन की कली खिल गई है, उसके चमन की कली खिल गई है, नजरों का मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या दिखाया दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, छुड़ा के तुझसे मिलाया, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा पागल, मेरा तारा मैं तेरा पागल, ओ तू मेरा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, मेरे
मंजिल का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा ओ कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरी नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा हाथ उठा कर कहते हैं हो मेरा दादा जी के हम हाथ उठा कर कहते हैं भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राजा रानी के भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राजा रानी के राधे बरसाने वाली के राधे कान्हा की प्यारी के राधे विश्वान दुलारी के हम भुजा उठा कर कहते हम हो गए राजा प्रोग्राम फेसबुक यूट्यूब पे बहुत दूर दूर तक जाने वाला है सोशल मीडिया पे इसलिए सब अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं हम हो गए राधा रानी के राधा विश्वान दुलारी के हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा कहते हैं हम गली गली में कहते हैं हम डगर डगर में कहते हैं हम डगर डगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के राधा विश्वान दुलारी के राधा विश्वान दुलारी के राधा संतों की प्यारी के राधा संतों की प्यारी के हम भुजा उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा हम कल थे राधा रानी के हम कल थे राधा रानी के हम आज भी राधा रानी के हम आज भी राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के
ये हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। ओ संतों की प्यारी के, राधा संतों की प्यारी के, राधा विश्वास दुलारी के, राधा काना की प्यारी के, हम भुजा उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 वृंदावन जाऊंगे, उठने विरह की मेरे उठे विरह की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगे मेरे उठे विरह की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगे वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाना जाओगे वृंदावन जाओगे सखी, बरसाना जाओगे फिर उठे विरह की तीर सखी, वृंदावन राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।